बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और डिपार्टमेंट को, विभागों को पता ही नहीं रहता कि हमें क्या एक्शन लेना है, कितने टाइम में एक्शन लेना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, क्योंकि समय सोचने के लिए समय बहुत सीमित होता है, बहुत लिमिटेड समय होता है, उसी में हमको सारी चीज़ें करनी होती हैं। ट्रैफिक रोकने की व्यवस्था करनी होती है, एरिया को खाली कराने की व्यवस्था करनी होती है, एम्बुलेंस डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी होती है, पब्लिक को समझाने की व्यवस्था भी करनी होती है, अन्य कई चीज़ें करनी होती हैं, बम निरोधक दस्ते को सूचित करने का भी कार्य किया जाता है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमारी यहाँ ये सारी व्यवस्थाएँ समुचित रूप से समय पर संपन्न हुई और ये एक्सरसाइज इस तरह से किस डिपार्टमेंट का मेंबर सारे जैसे हमको सूचना मिली कंट्रोल रूम से, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था, और सबका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहा है। एसडीएम साहब सबसे पहले पुलिस प्रशासन, हमें सूचना कंट्रोल रूम से मिली, सूचना है फलोदी में इस तरह की सूचना मिली है, तो तुरंत हम यहाँ पर रवाना हुए, तुरंत हमने डॉक्टर्स की व्यवस्था की, तुरंत ट्रैफिक को रोका आपके सामने, एम्बुलेंस को बुलाया, डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में तैनात किया, फायर ब्रिगेड को एयरफोर्स स्टेशन से बुलाया गया, पीएचटी के टैंकर यहाँ पर बुलाए गए, तो सभी का रेस्पॉन्स टाइम अच्छा था। कितने बजे सूचना कितने बजे मिली कंट्रोल रूम से? सूचना करीब 6:38 पर सूचना आई थी, जो इस तरह की सूचना होती है इस पर किलोमीटर पर करीब 1-1.5 मिनट पर पहुंचना होता है, ट्रैफिक और दूरी और सब को देखते हुए, तो लगभग सभी टाइम पर पहुंचे थे। तो आगे इसमें जहाँ जहाँ हमें कमियाँ मिली हैं वो आंतरिक हैं, जो उसमें और अभी बैठ करके चर्चा करेंगे, सुधार करेंगे, तो उसी के लिए आयोजन होता है। थैंक यू सर।